हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में स्पेशली डिस्कस करेंगे डीएलएड प्रशिक्षण से रिलेटेड कुछ अहम बातें। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी सोशल मीडिया पर एक डेटशीट जारी फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड वायरल की जा रही है, तो उसकी सच्चाई क्या है और आपका जो पेपर होगा वो कितने घंटे का होगा, समय कितना होगा, साथ ही ऑफिशियल तरीके से आपकी डेटशीट कब तक जारी की जाएगी। साथ ही फ्रेंड्स, बात करेंगे आपके स्कॉलरशिप से रिलेटेड। जैसे कि ई पेपर वाले भैया ने आर्टिकल पब्लिश करा था, उससे रिलेटेड जब प्रशिक्षु जो है गए तो उनको क्या कहा गया और क्यों प्रक्रिया ऐसी हो रही है, सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, बात करें फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा को लेकर, तो आप सभी को सिंपली पता है कि 10 से 17 तक आपके जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे, है ना। उसके बाद से जो आगे का प्रोसेस होगा वो होगा आप सभी का, यानी कि उसके बाद से ही आप सभी को कहीं ना कहीं डेटशीट देखने को मिलेगा। लेकिन आप अभी देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये जो डेटशीट है अभी बहुत तेज़ी से वायरल की जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि BTC 2014-15-16 चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा 2021, और यहां आपके टोटल 8 सब्जेक्ट दिए गए हैं और यहां आप देख सकते हैं डेट भी मेंशन करा गया है। लेकिन जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहां शांति शिक्षा और सतत विकास का जो आपका पेपर है, 8वां पेपर है, वो 29 तारीख को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक की प्रक्रियाएँ इसमें बोली गई। जैसे कि फ्रेंड, जो आपके प्रश्न नंबर 50 नंबर के होते हैं, जैसे 2 थ्योरी आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे 50-50 नंबर के, और एक आपका सामाजिक अध्ययन, यानी कि ये तीनों सब्जेक्ट आप सभी का जो है 50-50 नंबर का है, तो इसमें आप सभी को 2 घंटे टाइम दिया जाता है। लेकिन जो प्रश्न आपके 25 नंबर के हैं, ठीक है, उसमें जो है आपको टाइम ओनली 1 आवर दिया जाता है। लेकिन शांति शिक्षा एवं सतत विकास, आप देख सकते हैं टाइमिंग की बात की जाए तो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, यानी कि 2 घंटे की टाइम इसमें बोली गई है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम आपको बता दें, ऑफिशियली तरीके से अभी तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से कोई भी डेटशीट फोर्थ सेमेस्टर को लेकर जारी नहीं की गई है। बस आप सभी ने देखा ही होगा, ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से बताया गया है कि 27, 29, 30 को जो है आपके 3 दिनों में एग्जाम, जो आपके 8 सब्जेक्ट है वो कंडक्ट करा लिए जाएंगे, है ना। 1 दिन में आपके 2 एग्जाम कराए जाएंगे। तो ये सारी बातें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। तो अभी आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है, ना कि टाइम टेबल्स पर। 3 दिनों में आपका तीनों पेपर जो 8 पेपर हैं वो हो जाएंगे, तो आप उसके हिसाब से और देखिए जो आपका डेटशीट है वो जैसे ही एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो जाता है तो ऑफिशियल तरीके से जारी कर दिया जाएगा, और जो आपकी सेंटर्स लिस्ट है वो भी जारी कर दी जाएगी, ठीक है। बाकी आपकी क्लासेस फ्रेंड्स इस चैनल पर चलाई जा रही हैं लाइव सेशन, तो अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए ही बेनिफिट्स होगा, क्योंकि अभी आपको स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है, तभी आप कहीं ना कहीं एग्जाम क्लियर कर सकेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स, बात यहाँ ये आ जाती है स्कॉलरशिप को लेकर, क्योंकि जब बहुत सारे प्रशिक्षु स्कॉलरशिप, जैसे कि ई पेपर वाले भैया ने पब्लिश करा था कि 13 तक समय है और अपने फॉर्म में आपका जो भी स्टेटस एरर दिखा रहा है, आप सभी समाज कल्याण विभाग और संस्थान, अपने संस्थान की तरफ पहुंचिए। लेकिन फ्रेंड, जब संस्थान, जो आप अपने कॉलेज जब गए होंगे तो वो लोग बोल रहे हैं कि हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, और पता ही क्या, ये संस्थान की जिम्मेदारी होती है कि हमारे जो भी प्रशिक्षु हैं, ठीक है, हमारे कॉलेज का, तो इनका स्कॉलरशिप क्यों नहीं आया, जाकर खुद बात करनी चाहिए। अभी फ़ी की बात होती है तो सबसे पहले जो है आपसे फ़ी ले लिया जाता है, लेकिन जब स्कॉलरशिप की बात आती है तो कोई भी इन्फॉर्मेशन कॉलेज की तरफ से नहीं दी जाती, उल्टा जब पूछने पर ये कहा जाता है कि हमारे तरफ तो स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस आर्टिकल का क्या मतलब था। अब बहुत सारे प्रशिक्षु जो है अपने जनपदीय समाज कल्याण विभाग पहुँचे, तो वहाँ से भी बहुत सारे प्रशिक्षुओं को लौटा दिया गया यह कहकर कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो यहाँ से गई नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ बता दें, कहीं ना कहीं आप सभी के साथ पहले यह आर्टिकल पब्लिश करा गया था, साथ ही फ्रेंड्स ये भी कहा गया था कि जो भी एरर्स हैं वो सही किए जाएंगे। अब पता नहीं क्यों पलट रहे हैं बहुत सारे समाज कल्याण विभाग वाले, ये बोल रहे हैं कि ये ओनली इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए है, लेकिन उस ई पेपर जारी किया गया है उसमें इलाहाबाद का कहीं नामो निशान नहीं है,
अब देखिए उसमें जो भी ओबीसी वाले प्रशिक्षु हैं उनको मौका नहीं दिया गया था, ओनली जो है जनरल और एससी कैंडिडेट को मौका दिया गया था। तो फिलहाल देखिए क्या कहा गया था कि जो भी मतलब स्कॉलरशिप आपका है, स्कॉलरशिप कमेटी द्वारा अगर आपका वेरीफाई हो गया हो लेकिन किसी कारणवश उसकी शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं की गई हो तो उन लोगों को मौका दिया गया था, और साथ ही आपको स्टेटस भी जो आपका शो हो रहा है वो लेकर जाना था, है ना। बहुत सारे प्रशिक्षु पहुँचे भी हैं और बहुत सारे प्रशिक्षु ये भी कह रहे हैं कि ओनली जनरल और एससी के लिए लिंक एक्टिवेट किया गया है। तो फ्रेंड्स अब आपको ये अपने समाज कल्याण विभाग जब जाएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन बहुत सारे लगभग 95% जो है नकार रहे हैं कि हमने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। लेकिन फ्रेंड्स हम आपको बता दें ऐसी इन्फॉर्मेशन आई थी, ठीक है, आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, लेकिन ये जो है अपनी बातों से पलट रहे हैं अभी। अब पता नहीं क्यों क्या अब गवर्नमेंट क्या है कि सरकारी नौकरी मतलब सॉरी ये जो है फ्री में टैबलेट बांटेंगे, फ्री में फ़ोन बांटेंगे, लेकिन अगर बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं देंगे तो, और ऊपर से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से जांच करवाई जा रही है कि जो भी प्रशिक्षु हैं वो फ़ी मिलने के बाद भी संस्थानों को जमा नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम ये भी तो सोचना चाहिए जिनको फ़ी ही नहीं मिला है वो कैसे फ़ी जमा कर रहे हैं, और इस पर भी जांच की कमेटी बैठानी चाहिए कि अभी तक किन प्रशिक्षुओं का जो है स्कॉलरशिप आया है गवर्नमेंट को, और फिर लैपटॉप और फिर स्मार्टफोन लेकर क्या करेंगे, है ना। तो फ्रेंड जो भी है यही है, और आगे कोई भी अपडेट आएगा तो आप सभी को ज़रूर दी जाएगी। और कहीं ना कहीं इनकी अब तैयारी ये है कि अब देखिए आपने एक आर्टिकल में देखा होगा कि जो भी नए स्कॉलरशिप के फॉर्म हैं, ठीक है, जो भी प्रशिक्षु हैं उनको 1 महीने पहले ही स्कॉलरशिप दे दिया जाएगा। पता नहीं ये क्या है, देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन जो पुराने हैं कम से कम उनको भी तो मिलना चाहिए, 41,000-42,000 कम नहीं होता है। सरकार को ये बात सोचनी चाहिए, अपने घर से पैसे दिए हैं प्रशिक्षु, है ना। और बहुत सारे देखिए अब कैटेगरी वाइज बांट दिए हैं, ओबीसी वाले प्रशिक्षुओं का तो मतलब इसमें नाम ही नहीं लिया गया है, तो मतलब क्या है ये। तो कहीं ना कहीं प्रशिक्षुओं के साथ बहुत ही गलत हो रहा है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड अगर नहीं कुछ होता है तो इसके खिलाफ भी कुछ किया जाएगा, लेकिन अभी जो भी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए यही है, आगे कोई भी अपडेट आएगा तो आप सभी को दी जाएगी। अभी आप सभी अच्छे से स्टडी करिए, ठीक है, डेट शीट जारी होना होगा तो हो जाएगा, अभी जो भी वायरल हो रहा है तो ऑफिशियल तरीके से कुछ नहीं है, ठीक है। आप लाइव क्लासेस लीजिए और पढ़ने पर फोकस करिए, ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।